और आपने देखा होगा समाचार पत्रों से आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी कि दुनिया के कई विकसित देश इस कोविड-19 के कारण वह लड़खड़ा गए, चाहे अमेरिका रहा हो, चाहे ब्राजील रहा हो, चाहे स्वीडन रहा हो। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने भारत में इस कोविड के संकट को जिस चुनौती के रूप में स्वीकार किया और 25 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की, सारे देश ने उस लॉकडाउन का पालन एक अनुशासन पर्व की तरह किया है। बहनों भाई, यदि हमारे प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की यह घोषणा न की होती तो भारत की क्या स्थिति होती हम इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता है। और पीएम मोदी जी ने कोरोना की दस्तक होते ही इस देश को इस संकट का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार किया। और हमारी सरकार द्वारा जो भी इस कोरोना संकट से लड़ने के लिए कदम उठाए गए हैं अथवा जो काम हुए हैं उसकी सराहना केवल मैं नहीं कर रहा हूं, उसकी सराहना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी भूरी प्रशंसा की है। अपने स्वास्थ्य सुरक्षा के ढांचे को भी हमने इस बीच मजबूत किया है। पीपी वेंटिलेटर्स, पीपी वगैरह जो भारत में बनती नहीं थी वह बनाने का, बड़ी संख्या में बनाने का सिलसिला प्रारंभ किया है। और केवल पीपी का यूज हम भारत में कर रहे हों ऐसा नहीं है, बल्कि हम दुनिया के दूसरे देशों को भी अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जम्मू काश्मीर का इस संकट की घड़ी में जो परफॉर्मेंस रहा है, मैं कहना चाहूंगा कि गोवा के बाद सबसे अधिक टेस्टिंग रेशियो यदि किसी यूटी का रहा है तो जम्मू काश्मीर का रहा है। इसके लिए मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं।